हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत की रहता है और नई दमदार वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देख लेना समय निकाल के। ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए, आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी इस वीडियो को देखकर। क्योंकि मेरे प्रियजनों, आज के इस समय में बहुत सारे मसीही भाई बहन अपना जीवन प्रभु में ईमानदारी से बिता रहे हैं, और कुछ ऐसे मसीह हैं जो अंत के समय में वे अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं कि उन्हें कभी मरना नहीं है, उन्हें जरा भी डर नहीं परमेश्वर से। ऐसे लोग पड़े हुए हैं। बाइबल बताती है भैया, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आप छोड़ने वालों में से ना बनो, आप जाने वालों में से बनो। परमेश्वर ने कहा है स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। मेरे प्रियजनों, समझदारों ने अपने मसालों के साथ तेल भी लिया, कुपियों में तेल भी भर लिया, मगर आज के समय में कुछ ऐसे मसीह ही हैं जो उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह दर्शाए जाते हैं। वे संसार में रहकर, प्रभु में रहकर संसार के साथ चलते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग नहीं देगा। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है स्वर्ग में। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने जो पाप किया है, व्यभिचार किया है, झाड़ियों में किया है, टीलों में किया है, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानो, उन्हें छोड़ो, पश्चाताप करो, क्योंकि समय कम बचा हुआ है और दिन बुरे हैं। आप देख ही रहे हो, जगह जगह युद्ध हो रहा है, अकाल पड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ, भूकंप आ रहा, आंधी तूफान आ रहे हैं, जगह जगह युद्ध हो रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, अंत के चिन्ह हैं। बाइबल बताती है अंत का समय जब आएगा, लोग खराब देश ना सह सकेंगे। अंत का समय जब आएगा, लोग विश्वास से भटक जाएंगे, क्योंकि आज के समय में सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, सबने अपना अपना रास्ता तय कर लिया, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। सबके सब भटक चुके हैं, पाप, व्यभिचार, बुराई, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेक्स वीडियो में जकड़े हुए हैं। अभी समय है, छोड़ दो, क्योंकि अंत निकट है। रैप्चर कभी भी हो सकता है, किसी दिन भी हो सकता है, किसी घड़ी भी हो सकता है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो भैया वह समय कब आएगा, वह समय कब आएगा, वो घड़ी किस समय की होगी, वो पहर किस समय का आएगा। प्रभु ने कहा है ना, घर के स्वामी को पता होता है कि चोर कब आएगा। अगर वो जानता होता तो अपने घर की रखवाली करता और चोर चोरी करके ना जाता। उसी प्रकार से प्रभु ने कहा है, मेरा दिन भी होगा, मेरा आना भी होगा। कोई तो समय पाप कर रहा होगा, कोई तो समय व्यभिचार कर रहा होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जकड़ा होगा, पाप, व्यभिचार, गुनाह में, कचड़े में लिप्त होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए कोई जगह स्वर्ग में नहीं है, उसको परमेश्वर स्वर्ग नहीं देगा। अनंत काल की जो विनाश की मृत्यु है, जो नर्क की आग है, उसमें परमेश्वर उसे झोंक देगा, फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ की कभी नहीं मरते हैं। आज लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं। अरे तुम तो पाप करते, व्यभिचार करते, बुराई करते और बोलते हो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। पहले अपने आप को धो, पवित्र करो, तैयार करो, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ पे रहता है वह जगह पवित्र है। याद रख लेना, परमेश्वर उसी को स्वर्ग देगा जो उसके चलाए चलता है, जो संसार में रहकर परमेश्वर के साथ चलता है, उसके बताए रास्ते पे चलता है, वचन पे चलता है, प्रार्थना करता है। इसलिए सुनने का, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वह समय कब आएगा, वह घड़ी या समय कब की है, तुम नहीं जानते हो। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु ने कहा, तुम जागते रहो, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। लिया कौन जाएगा, छोड़ा कौन जाएगा? जो प्रभु में तैयार होगा, जो अपनी तैयारी बना के रखा होगा, उन 5 समझदार कुमारी की तरह तैयार होगा, अपनी तैयारी बना के रखा होगा, जो पवित्र होगा, बाइबल बताती है उसी को परमेश्वर लेकर जाएगा, वरना उसको परमेश्वर स्वर्ग नहीं देगा। क्योंकि हम जब 2 नाव में पैर रखते हैं तो नाव डूब जाएगी। हमें इसलिए एक नाव पे पैर रखना है, उसके वचनों पे चलना है, उससे प्रेम करना है, उसके बतावे रास्ते पर चलना है। मेरे प्रियजनों, बाइबल बताती है, मैं तुमसे सचमुच कहता हूँ, लूका की किताब में लिखा हुआ, उस रात तो मनुष्य एक खाट पे सोते होंगे, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियजनों, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। आप यहाँ छूट मत जाना, जो आप पर छूट जाएगा उसका बहुत ही बुरा हाल होगा। इसलिए आप तैयार रहो, जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो, वचन पढ़ते रहो, पाप, बुराई से, व्यभिचार से बचे रहो। पापों की नींद में नहीं सोना है, दुनिया की भीड़ में नहीं खोना है। जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर चले जाइए, ठीक है? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह भाइयों के पास। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।